नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बताएंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो योग करते करते चबा गया लोहे की तस्तरी, ब्लेड और ट्यूबलाइट। हाल ही में एक शख्स को पेट दर्द की शिकायत के चलते दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके पेट से लोहे के टुकड़े, ट्यूबलाइट की गिरचे और सुइयां निकाली गई। अंग्रेजी और हिंदी धारा प्रवाह बोलने में माहिर 52 साल के शैलेंद्र मोटरबाइक स्पेयर पार्ट शॉप में काम करते हैं। उनको देश और दुनिया के राजनीतिक मामलों और हस्तियों के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, पर शायद वे अपने बारे में जानकारी रखने से थोड़ा सा चूक गए। वे भूल गए कि वे एक सामान्य आदमी है और उनको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। योग पर आस्था रखने वाले शैलेंद्र योग के जानकार भी है और उन्हें लगता है कि योग के अभ्यास के बाद वे कुछ भी खाकर हजम कर सकते हैं, पर यह सच नहीं था। इसी के चलते जब उन्होंने योगाभ्यास के साथ साथ लोहे की प्लेट, ब्लेड, सुई और ट्यूबलाइट आदि को खाया तो उनके शरीर में ये चीजें इकट्ठा होने लगी। शैलेंद्र ये काम करीब 9 साल तक करता रहे। अंत में वही हुआ जो शैलेंद्र ने सोचा भी नहीं था। उनके पेट में तेज दर्द उठा और जब डॉक्टर ने उनकी सर्जरी की तो पता चला कि ये सब उनके पेट में एकत्रित होकर उन्हें परेशान कर रहा है। दिल्ली के अशोक विहार में रहने वाले शैलेंद्र की बहन उषा ने बताया कि वे शादीशुदा है और उनका एक 20 साल का बेटा भी है, पर अब वे परिवार के साथ नहीं रहते। उषा के अनुसार शैलेंद्र बहुत एक्टिव रहते हैं। वे रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और योगा का अभ्यास करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे लोहे की तस्तरियां, सुई और ट्यूबलाइट्स खाते हैं। अगर उन्हें पता होता तो वे जरूर इन्हें रोकती।